हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महक परवेज। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप अपनी स्किन को वाइट कैसे करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समर सीज़न स्टार्ट हो गया है और समर सीज़न के बढ़ते दिनों में हमारी स्किन का कलर भी चेंज होता रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक पेस्ट बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन को वाइट करने के लिए, क्योंकि गाइस हमारी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइस समर सीज़न में या फिर विंटर सीज़न में हमारी स्किन पर कोई ना कोई प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, जैसे कि अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपकी स्किन पर पिंपल हैं तो ये उसको भी दूर करेगा। तो गाइस इस पेस्ट को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये पेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए। इसलिए मेरी वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस इस पेस्ट में हमें क्या यूज़ करना है? इस पेस्ट में हमें यूज़ करना है मिल्क। आप सभी जानते हैं कि मिल्क हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे फेस को फेयर करता है। अब हमें इसमें यूज़ करना है थोड़ा सा बेसन। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे डार्क स्पॉट्स को एंड हमारे रिंकल्स को भी दूर करता है। बेसन ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है चावल का आटा। तो गाइस चावल का आटा हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे फेस पर से धूल मिट्टी गंदगी को दूर करता है एंड हमारी स्किन को एकदम क्लीन करता है। ये हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो गाइस इसको ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन शाइन करने लगती है एंड हमारी स्किन ग्लो भी हो जाती है। अगर हम अपने फेस के लिए या फिर अपनी बॉडी के लिए कोई भी पेस्ट बनाते हैं तो हमें उसमें हल्दी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो गाइस इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है नींबू का रस। नींबू का रस हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही ड्राई स्किन है तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि विंटर सीज़न में ग्लिसरीन में हम इसका यूज़ ज़रूर करते हैं, क्योंकि गाइस जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है तो इसको यूज़ करने के बाद उनकी स्किन एकदम नॉर्मल हो जाती है, उनकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं होती है। तो गाइस हमें पेस्ट बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, क्योंकि इस पेस्ट से हमारी स्किन एकदम वाइट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।